अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बस 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 भोलेनाथ आपको हमेशा खुशियां दे, निरोग्य जीवन, आरोग्य जीवन, सुख शांति रहे आपके जीवन में। अम्मा जी, हमारी बारी, अब हम अपनी पत्नी को केक खिलाएंगे। ये रहा। आ करिए। वत्सला प्रेग्नेंट है पूर्णिमा। मुझे आप लोगों को बताने और समझाने की जरूरत नहीं होगी कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। खाई ना। बहुत बधाई। हम कहीं अंदर से आते हैं। मृदुला, तुम मेरी आंखों में देखती ना तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं अनमोल से कितना प्यार करता हूं। I love Anmol. ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। भाई भाई बाबूजी, मेहमानों को देखिए ना, हम आते हैं अभी। सब समझ रहे पूर्णिमा, पर और कुछ नहीं जी, हमसे भुलाए नहीं भूला जा रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ध्यान भटक जाए, हम ना सोचे, बाकी रह रह के अब कोई याद आ रहा है। मेरे ध्यान में है ये बात की आपका बच्चा किसी और औरत के पेट में पल रहा है। आपका प्यारू वत्सला जी से बटा हुआ था और उसका कुछ अंश वत्सला जी में ही रह गया, जो कभी लौट कर नहीं आएगा। आएगा कहाँ? आप बिल्कुल सही, जैसा महसूस कर रही है वो भी सही, और हम अपनी गलती मानते हैं पूर्णिमा। हम खुद समझ नहीं पा रहे कि हमसे इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। पर अब सच बताए तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम क्या करें अगर कोई बात याद आ रहा है तो। हमारा साथ दीजिए पूर्णिमा, हमारा साथ दीजिए पूर्णिमा, बस हमारा साथ दीजिए। कहे कि हम दोनों अगर साथ है ना तो किसी भी मुश्किल से, किसी भी कठिनाई से लड़ सकते हैं। और आप कहती है ना, प्यार में बहुत ताकत होती है, उस प्यार पे विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए।
भैया भाभी, आप जिस प्यार की बात कर रहे हैं ना, हमें भी बिल्कुल वैसा ही प्यार अपने और वत्सला के बीच पैदा करना है। और सच कहें तो हमें लगता है कि अब हमारा प्यार ही उसकी लाइफ को नॉर्मल कर सकता है, उसे खुशियां दे सकता है। आपको पता है भैया, वत्सला कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है। अब आप बताइए, उसने पहली मुलाकात में ही हमको सब कुछ सच सच बता दिया, और हमको लगता है कि उसकी इसी सच्चाई से हमें प्यार हो गया। और जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, वहां से मुझे एक नया रास्ता मिल गया, और फिर मैंने ध्रुव को ढूंढा, उसकी एक एक चीज मालूम की मैंने, वो कब कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ मालूम किया, सब कुछ पता किया। हम कभी कभी सोचते हैं कि वो इंसान कितना घटिया और कितना नीच होगा भैया, जिसने वत्सला जैसी अच्छी लड़की के साथ इतना गलत काम किया, उसकी सारी खुशियां छीन ली। लेकिन हम वादा करते हैं भैया, हम वत्सला को सारी खुशियां लौटाएंगे जिसकी वो हकदार है। भाभी भैया, हम चाहते हैं कि आप इन फूलों के साथ हमारे सुहाग की सेज सजाएं। ये हम घर में किसी और से नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप दोनों तो हमें समझते हैं ना। प्लीज भैया, भाभी। ठीक ठीक है ध्रुव भैया, हम दोनों आपकी सुहाग का सेज सजाएं, और ये बात से आपको खुशी मिलती है तो हम लोग सेज सजाएंगे। शुक्रिया भाभी। एक खबर तो सुन लो। कैसी खबर? उभार ना, ध्रुव भैया सिद्धार्थ भैया और पूर्णिमा भाभी को फूल देते हुए ई कह रहे थे कि ई फूल लेकर जाइए और सुहाग की सेज सजा दीजिए। वत्सला और ध्रुव की सेज? हाँ दीदी, सच? तू सच बोल रही है? हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं। हे भगवान, चल अभी केक हमको खिला दे, अब हमको ये केक भी टेस्टी लगेगा। तू भी खा। तो शराब की बदबू है, मतलब ये वही वाली शराब की बोतल है। ये तो बुरे फंसे हम, इस नौकरानी को शराब की बोतल मिल गई। हे भोलेनाथ, बस सच का पता लगाने में हमारी मदद कीजिएगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। पर अब हम ये सोच रहे हैं कि सिद्धार्थ और पूर्णिमा को कैसा लग रहा होगा वत्सला की सुहाग की से सजाते हुए। एक एक फूल कांटा बनके चुभ रहा होगा। क्या पता सेज को सजाते सजाते वो काटे उनके हाथों में ऐसे चुभ जाए और उनके हाथ घायल हो जाए। मजा आएगा ना? बहुत ही मजा आएगा दीदी। और लहूलुहान हो जाए। और दीदी सिर्फ हाथ ही नहीं, बहुत कुछ लहूलुहान होगा। आखिर पुरानी यादें जो जुड़ी है वो भी है। तू केक खा। कौन सी पुरानी यादें? बस अभी ये करना बाकी रह गया था। वत्सला जी के पेट में आपका बच्चा पल रहा है, और वो बच्चे का सहारा लेकर के इतना षड्यंत्र रच करके इस घर में आ गई, और हम यहाँ बैठ करके उनके सुहागरात का सेज सजा रहे हैं, और आप
हमारा इसमें साथ दे रहे हैं। बढ़िया है। पूर्णिमा, हम कहाँ जानते हैं कि वत्सला के दिमाग में कहाँ चल रहा है? हमको खुद समझ में नहीं आ रहा कि वत्सला के दिमाग में कहाँ चल रहा है, उसके बनाए षड्यंत्र में अभी कहाँ बचा है कुछ नहीं पता हमें। इतना गहरा रिश्ता बनाने का कहाँ जरूरत था कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है आपको? ध्रुव, तुम केक खाओ ना, बहुत अच्छा है। ये लो ध्रुव, केक खा लो। बताइए कौन सी पुरानी याद है? आप सब में से कोई वत्सला को जानता है क्या? नहीं भैया, हम वत्सला जी नहीं, वत्सला हमारा मतलब है वत्सला भाभी के बारे में नहीं, हम तो हमारी केक से जुड़ी हुई यादें के बारे में। नहीं, नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने सुना आप दोनों कुछ तो बात कर रहे थे, कुछ तो आप दोनों बात कर रहे थे कुछ वो फूल और कांटे के बारे में। हम इतने बेवकूफ नहीं है, बताइए क्या बात है? नहीं ध्रुव, हम तो बस केक की बात कर रहे थे। तुम, हमने कहा बताइए। अरे बोलिए ना, बताइए। हम बताते हैं बेटा। अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।